विवान, देखो तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है ना करो, लेकिन मेरे परिवार से नहीं। और एक बात अच्छे से याद रखना, मैं अपने परिवार के लिए लोगों से तो क्या, भगवान से भी लड़ जाऊं। और विवान, तुम प्लीज एक बेटी को उस हालात में मत डालो कि उसे अपने पति और अपने परिवार के बीच में से किसी एक को चुनना पड़े। जब तक तुम मेरे परिवार हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगी। पर तुम विवान, अगर तुमने मेरे परिवार के सामने खड़े होने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। बात जब परिवार की हो ना विवान, तो ना एक बेटी कभी डरती है और ना कभी डरेगी। छुपके मेरी बात सुन रही थी वो विवान। विवान देखो, मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे दूर रहो और मेरे काम में इंटरफेयर करना बंद क्यों नहीं करती थी तुम? ना अभी किस पे टाइम वेस्ट कर रहा हूं। विवान 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 मेरी बात सुनो। विवान विवान देखो देखो, मैं नहीं कह रही कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई, ना ही मैं कह रही हूँ कि हम दुश्मन नहीं है। विवान, कल मैंने घर के आसपास किसी को देखा था, हम सब पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। देखो विवान, हम दोनों की लड़ाई अपनी जगह है, वो मैं अभी भी तुम्हारी दुश्मन हूँ खुश, पर विवान वो हम दोनों का दुश्मन है। उससे अगर हम मिल के लड़ेंगे तो हम जल्दी जीत सकते हैं। प्लीज मेरी बात समझो। विवान देखो, एक बार मेरी विवान मेरी बात समझने की कोशिश करो। विवान विवान देखो, ये कुछ चाल हो सकती है। विवान प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनो। विवान मेरा गाड़ी से बाहर निकलो।